ऑनलाइन टीएसपी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बहुपद का मान, आपका टॉपिक है, आपका टेंथ क्लास का बहुपद टॉपिक स्टार्ट है, जिसमें हम लोग पिछले दो वीडियो में हम लोग देख चुके हैं बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की पहचान क्या है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख ले, एवं चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या है कि किसी बहुपद पी एक्स में, हम लोग को पता है कि बहुपद को पी एक्स या एफ एक्स से सूचित करते हैं, तो पी एक्स में एक्स की जगह कोई अचर संख्या ए रखने पर, मतलब कोई बहुपद है वो एक्स का बहुपद है, तो एक्स की जगह पे कोई अचर संख्या ए रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या पी एक्स का मान कहलाता है। बहुपद के मान को पी ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिए किससे, पी ए से डिनोट करते हैं, पी ए से सूचित करते हैं, यानी बहुपद का मान बराबर क्या, पी ए, और ए बराबर क्या, अचर संख्या। यानी सीधा मतलब हम सीधा समझेंगे कि कोई बहुपद पी एक्स है उसमें एक्स की जगह पे मान रखेंगे, और एक्स के जगह पे मान रखने पर जो वैल्यू प्राप्त होगा वो आपका बहुपद का मान कहलाएगा। तो चलते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये आपको पता है ये आपका द्विघात बहुपद है क्योंकि घात आपका दो है। हम मान लेते हैं एक्स बराबर किस पे, दो पे, एक्स जगह पे क्या रख दिए, दो पर। तो देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन आपका बहुपद है, एक्स बराबर दो, तो पी देखिए यहाँ एक्स था तो एक्स जगह पे क्या रखे, दो, तो एक्स जगह पे दो, तो जितने भी एक्स है सबके जगह पे क्या रख देंगे, दो, तो एक्स है तो एक्स जगह पे क्या रख दिए, दो, दो का स्क्वायर माइनस टू, एक्स जगह पे दो प्लस वन, दो का स्क्वायर चार, दो दूना चार प्लस वन, ये खत्म, और जीरो प्लस वन मतलब पी टू वन। पी टू वन का मतलब क्या हुआ ये आप समझेंगे, ध्यान से देखिए पी टू वन का मतलब क्या हुआ ये आप समझेंगे कि उस बहुपद में एक्स के जगह पे दो मान रखे तब उस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर दो पर बहुपद का मान कितना होगा, वन होगा, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस क्या है आपका, पच्चीस है। हम एक्स बराबर क्या किए, पाँच पर, आप पाँच तीन दो कुछ भी रख सकते हैं, एक्स बराबर पाँच पे, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस, पी पाँच पे बोल रहा था, एक्स जगह पे पाँच, मतलब यहाँ भी एक्स जगह पे क्या हो जाएगा, पाँच का स्क्वायर माइनस पच्चीस, पाँच का स्क्वायर पच्चीस माइनस पच्चीस, पी फाइव बराबर जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के जगह पे हम पाँच रखे तो उस बहुपद का मान क्या आया आपका, जीरो आया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और कि यदि पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस फाइव तो पी माइनस वन ज्ञात करें, इस तरह से अभी आपका प्रश्न आ सकता है। तो पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस फाइव तो पी माइनस, तो पी एक्स बराबर क्या है, तो टू एक्स प्लस फाइव है, पी माइनस वन मतलब एक्स पे क्या, माइनस वन, तो हम एक्स के पे क्या रख देंगे, टू गुने एक्स पे माइनस वन प्लस फाइव, टू में माइनस वन से गुना किए माइनस टू प्लस फाइव, फाइव में से दो घटा तो क्या आया, तीन, मतलब पी माइनस वन बराबर क्या आया, तीन आया। मतलब जो भी कहेगा पी वन पी टू पी जीरो तो एक्स जगह पे वो वैल्यू पुट कर देगा, जो वैल्यू आएगा वो आपका बहुपद का मान कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जी अब हम लोग देखेंगे बहुपद का शून्यक। हम लोग बहुपद का मान देख चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक क्या होता है इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। किसी बहुपद पी एक्स में, किसी बहुपद पी एक्स में अगर पी ए बराबर जीरो हो तो ए बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई बहुपद पी एक्स में अगर एक्स पर हम ए रखते हैं और उसका रखने पर अगर पी ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ए बहुपद का शून्य कहलाएगा। अगर पी ए बराबर जीरो नहीं हो तो ए बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे पी एक्स बराबर एक्स माइनस टू है, ये आपका रैखिक बहुपद है, हम इसमें एक्स बराबर दो रखें, एक्स बराबर क्या रखें, दो रखें, तो पी एक्स बराबर एक्स माइनस टू, पी एक्स के पे क्या रखें, दो, तो ये भी एक्स है वहाँ भी दो माइनस दो, तो पी टू दो माइनस दो बराबर क्या, जीरो। मतलब हम क्या पढ़े हैं कि पी ए बराबर अगर जीरो हो जाए तो ए शून्य,
तो ठीक उसी प्रकार अगर P2 बराबर क्या आ गया, जीरो, मतलब x जगह पे दो रखने पर इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, तो आपका Px x माइनस टू का शून्य क्या होगा, दो आपका शून्य कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं कि अगर x बराबर हम तीन रखते हैं इसमें, तो पी एक्स बराबर एक्स माइनस टू, तो पी एक्स पर क्या रखें तीन, तो तीन माइनस दो, तो पी थ्री बराबर क्या आया, वन आया। मतलब तीन रखने पर वैल्यू जीरो नहीं आया, मतलब पी थ्री बराबर नॉट जीरो, तो मतलब तीन शून्य नहीं होगा। अगर वैल्यू जीरो आएगा तभी वो शून्य होगा, अगर जीरो नहीं लगेगा तो वह शून्य नहीं होगा। मतलब शून्य का सीधा आप मतलब समझिए, शून्य का काम है बहुपद के मान को जीरो करना, वो आएगा उसको जीरो करेगा, अगर जीरो करेगा तो वो शून्य कहलाएगा, जीरो नहीं करेगा तो शून्य नहीं कहलाएगा। जैसे इसमें हम दो रखे तो उसका वैल्यू जीरो आया, इसलिए दो शून्य हुआ, लेकिन तीन रख कर हम चेक किए तो उसका वैल्यू जीरो नहीं आया, तो तीन शून्य नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स प्लस क्या है, पच्चीस है। इसमें हम एक्स बराबर पाँच रखने पर, मतलब x में जगह पर हम पाँच रखें तो पी फाइव, देख सकते हैं x के जगह पे तो यहाँ पे पाँच, तो पाँच का स्क्वायर माइनस टेन, यहाँ x है तो यहाँ लिख दिया पाँच प्लस पच्चीस, तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस, दस पच्चीस पचास, पच्चीस पचास माइनस पचास, यानी पी फाइव बराबर जीरो आया। मतलब पी फाइव बराबर जीरो आया तो हम कह सकते हैं कि फाइव इस पी एक्स का शून्य है, अगर जीरो नहीं आता तो इसका शून्य नहीं होता, मतलब शून्य पाँच है। फिर देखते हैं तीसरा एक एग्जाम्पल कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस छः, ये आपका द्विघात बहुपद है। इसमें हम x बराबर दो रखें, दो रखने पर तो देखिए टू का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स है, तो टू प्लस सिक्स, तो दो का स्क्वायर चार, माइनस पाँच दुना दस, छः चार दस, माइनस दस मतलब जीरो, यानी पी टू बराबर आपका जीरो आ रहा है, मतलब टू आपका शून्य है। फिर x बराबर तीन न कर देखते हैं, तो तीन का स्क्वायर माइनस फाइव गुना तीन प्लस सिक्स, तो 9 माइनस पंद्रह प्लस सोलह, यानी 15 माइनस पंद्रह, यानी पी थ्री बराबर भी आपका जीरो आ रहा है, मतलब थ्री भी इस बहुपद का शून्य होगा, यानी इसका शून्य आपका हो गया दो और तीन, इस द्विघात बहुपद का शून्य दो और तीन। अब अगर कोई वैल्यू रखने पर अगर शून्य नहीं आया तो वह बहुपद का शून्य नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको शून्य का कंसेप्ट समझ में आ गया। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें आप लोग।